गाइस अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ वीडियो टू जो सीरीज मैंने आप लोगों के लिए बनाई, जिसका कैप्शन है, टाइटल है वेट लॉस फॉर मॉम्स और वेट लॉस आफ्टर प्रेगनेंसी, वेट लॉस आफ्टर चाइल्ड बर्थ, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। यू नो बेटर देन मी कि ये प्रेगनेंसी के बाद वेट लूज करना कितना मुश्किल होता है, और यू नो अप अंटिल दिस पॉइंट दिस हैज बीन अ मिस्ट्री। आपके जैसे ही चाइल्ड बर्थ हुई, यू नो इट वाज अ वेरी अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ वेरी फॉर्चुनेट, इट्स अ ब्लेसिंग, यू नो योर लाइफ इज चेंजिंग फॉर द बेटर बट योर बॉडी डज नॉट चेंज फॉर द बेटर। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रिवेंशन की। यू नो माय अप्रोच इज कि मैं हमेशा रूट कॉज में जाने की कोशिश करता हूँ, तो वो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब इस वीडियो का मकसद ये है कि जो खवातीन कपल्स दैट आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, ये वीडियो उनके लिए बहुत लाजमी है, लेकिन इवन फॉर अदर्स वेमेन हुव हैड चिल्ड्रन मस्ट अंडरस्टैंड द लिंक। सो आगे वाली वीडियोज जो मेरी आएंगी उसके साथ ये लिंक आपको क्लियर होता जाएगा। सो इफ यू हैवंट वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियो द इंट्रोडक्शन, प्लीज वॉच इट एंड द फोर्थ कमिंग वंस एज वेल। ओके, लेट्स गेट टू द पॉइंट। हम बात कर रहे हैं वेट लॉस आफ्टर प्रेगनेंसी, और इस जिमरे में मेटाबॉलिज्म की डिस्कशन हम नहीं छोड़ सकते। अभी तक अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो तो आई हैव स्पोकन अ लॉट ऑन मेटाबॉलिज्म एंड दैट इज माय की फोकस। और आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मेटाबॉलिज्म और थायराइड आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, मेटाबॉलिज्म एंड थायराइड आर वन एंड द सेम थिंग, यानी कि अगर मेटाबॉलिज्म स्लो है तो थायराइड भी स्लो है, और अगर थायराइड स्लो है तो मेटाबॉलिज्म भी स्लो है। सो अगर आपको ये शक हो रहा है, no matter what stage in your life you are, mean even if you've had children or if you're planning on having children, if you're 40 or if you're 20, if your metabolism is slow, then please also do understand that your thyroid is slow as well. और यहाँ पे मैं एक और बात जरूर करना चाहूँगा कि जो हमारे slow thyroid के जो symptoms हैं, जिनको भी मैं explain करूँगा, अगर आपके ये symptoms आपकी body के अंदर हैं, if you're experiencing these स्लो मेटाबॉलिज्म और सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म सिम्टम्स, देन चांसेस आर कि प्रेगनेंसी के पॉइंट पे ये सब क्लिनिकल यानी कि टेम्पररी हाइपोथायरॉयडिज्म परमानेंट में कन्वर्ट हो सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो इफ यू हैव सिम्टम्स ऑफ स्लो मेटाबॉलिज्म, which again means it can also be called subclinical hypothyroidism, तो इस केस में अगर आप जब प्रेगनेंसी के तरफ जाएंगे तो प्रेगनेंसी में बिकॉज द बॉडी विल प्लेस डिमांड्स ऑन यू फॉर टू लाइव्स, तो उस केस में आपके हो सकता है कि वो टेम्पररी हाइपोथायरॉयडिज्म परमानेंट में कन्वर्ट हो जाए। दैट्स व्हाई प्रिवेंशन इज सो इम्पॉर्टेंट। और ये बात नोट करें कि फीमेल थायरॉयड और फीमेल मेटाबॉलिज्म, जिस तरीके से हम इसको अप्रोच कर रहे हैं वेट लॉस के लिए, जो तरीकेकार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तरीका फीमेल मेटाबॉलिज्म और फीमेल थायराइड के लिए मुजर है। इन अदर वर्ड्स, जो आप एक्सरसाइज की इंतहा कर रहे हैं, जो डाइटिंग आप कर रहे हैं, दीज थिंग्स आर एक्चुअली हर्टिंग योर थायराइड एंड दीज थिंग्स आर हर्टिंग योर मेटाबॉलिज्म। सो कहने की क्या मकसद क्या है, द फीमेल मंथली साइकिल हैज अ वेरी प्रोफाउंड एंड इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन द फीमेल थायराइड एंड द फीमेल मेटाबॉलिज्म। सिमिलरली stress has a huge impact on female thyroid and female metabolism. और यहाँ पे मैं एक बात आपको नोट करवाऊँ कि जो टिपिकल तरीका एक्सरसाइजिंग का, जिसमें मैं अमूमन कहता होता हूँ गोटे तोड़ एक्सरसाइज और डाइटिंग, ये दोनों चीज़ें स्ट्रेस हैं आपकी बॉडी के लिए, आपके थायराइड के लिए और आपके मेटाबॉलिज्म के लिए। तो अगर आप ये गोटे तोड़ एक्सरसाइज और डाइटिंग का अमल कर रहे हैं तो चांसेस आर योर मेटाबॉलिज्म इज स्लो। और अब आपको इस वीडियो से पता लग गया है कि स्लो थायराइड मींस सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे परमानेंट होने के जिसके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इफ यू वांट टू अवॉइड परमानेंट वेट गेन, इफ यू वांट टू अवॉइड परमानेंट वेट गेन आफ्टर योर चाइल्ड बर्थ, द टाइम इज राइट नाउ टू फिक्स इट। स्टॉप डाइटिंग, स्टॉप दिस क्रेजी एक्सरसाइज बिजनेस, बिकॉज ये चीज़ें आपको अब आपको पता लगे कि किस तरफ लेके जा रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब हम थोड़ा सा अब बात करना चाहिए हमें कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, वॉट आर द सिम्टम्स ऑफ सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म और क्लासिकली स्लो मेटाबॉलिज्म। उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले
फटीग बढ़ जाती है आपकी, आप दिन के टाइम पे आपको फटीग, आपके अंदर एनर्जी नहीं है. डिप्रेशन इज वन ऑफ द साइंस ऑफ सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म. अनएक्सप्लेन वेट गेन, ये भी एक सिम्टम साइड किया जा रहा है सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में. जॉइंट पेन्स एंड द लिस्ट गोज ऑन. सो कहने की बात यह है कि मैं अपनी वीडियो के इसके साथ ही आपको एक रेंजेस बता दूंगा कि अगर आपने अपना थायराइड टेस्ट कराना है तो व्हाट आर द ऑप्टिमल और आइडियल रेंजेस यू नीड टू लुक एट. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट एंड समराइजिंग थिंग्स, मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है अगेन दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. एट सम पॉइंट नो मैटर वेयर यू आर इन योर लाइफ लाइफ स्पैन और लाइफ स्टेज, मेटाबॉलिज्म एंड थायराइड आर वन एंड द सेम थिंग. अगर थायराइड ठीक नहीं है, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है. अगर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो थायराइड ठीक नहीं है. दे आर इंटरलिंक्ड. एंड लेट्स नॉट इवन फॉरगेट कि जो मैंने एनवायरमेंटल बात की आपसे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बिलखसूस पाकिस्तानी सोसाइटी में इतना प्रेशर होता है पतले होने का कि खवातीन रगड़ रही हैं अपने आप को इस प्रोसेस के अंदर, अपने आप को रगड़ रही हैं एक्सरसाइज के अंदर, अपने आप को रगड़ रही हैं डाइटिंग के अंदर. और यही वजह है कि जिसकी वजह से ये स्टेटिस्टिक है, मेरा ओपिनियन ही स्टेटिस्टिक है कि वीमेन हैव मोर हाइपोथायरॉयडिज्म देन मेन. यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म का जो केस है वो खवातीन में ज़्यादा पाया जाता है बनिस्बत मर्द हजरात के. द रीज़न बीइंग कि जो हम खवातीन एक तो अपने मल्टीपल रोल्स की वजह से और सोसाइटी के प्रेशर की वजह से और स्ट्रेस की वजह से और ये जो एक्सरसाइज ज़्यादा करने की वजह से जो सारे मामला कर रहे हैं उससे सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है. प्री प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में वो कन्वर्ट हो रहा है परमानेंट हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर, जिसकी वजह से आपका थायराइड परमानेंटली स्लो हो गया और फिर वेट लूज करना नामुमकिन हो गया. तो अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने क्या करना है और उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद जब आपकी चाइल्ड बर्थ होगी भी उस वक्त आपने क्या करना. सो दीज आर ऑल सीरीज दैट आर इंटरलिंक्ड. मेरी गुजारिश आपसे, इफ यू लाइक दिस कॉन्टेंट प्लीज शेयर इट विद योर लव्ड वंस. And do send me your comments and questions. I will be really looking forward to this. एक और मैं चीज़ यहाँ पर अनाउंसमेंट करूँगा. नौशीन ने अपना, माई वाइफ, शी इज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म. इफ यू आर इंटरेस्टेड सेंड मी कॉमेंट्स. आई विल ऑल्सो लिंक यू अप विद नौशीन फॉर डिटेल्स. सो आई होप यू फाउंड दिस कॉन्टेंट यूजफुल. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जनाब एंड अल्लाह हाफिज़.